नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पैनाटॉमी पर। तो चलिए लेट्स इन फॉल इन लव विथ योर पेन्स। और आज मेरे पास है लिंकन फाउंटेन पेन, जो कि एक विंटेज पेन है और आप काफ़ी आसानी से इस विंटेज पेन को खरीद सकते हैं बिना पेन की ओर से। ये मैन्युफैक्चरर है बिना पेन्स, और ये जो पेन है ये एक विंटेज पेन है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, खोल देता हूँ, पार गया। साइड कर देते हैं इनको। तो ये देखिए, ये जो पेन है 300 है इसकी कीमत, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये 90 के दशक में बनाया हुआ पेन है, हालांकि इधर में मुझे नहीं मिलेगा। और ये है एक पिस्टन फिलिंग सिस्टम में ये बना है, जो सपोर्ट करता है पिस्टन फिलिंग सिस्टम में। मैन्युफैक्चरिंग डेट तो दिया नहीं गया है, लेकिन vsignpens@gmail.com जो है वहाँ पे आप कर सकते हैं, या फिर जो फ़ोन नंबर दिया गया है वहाँ से आप फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे जितना पता है ये पेन 19 के दशक में काफ़ी पॉपुलर थी। तो ये है लिंकन, देखने में कुछ इस तरीके की एक सुंदर सी बॉक्स में आती है, जहाँ पर दो पेन आराम से आप कैरी कर सकते हैं। और ये है पेन लिंकन फ्रॉम बिना। एक्चुअली बीच में ये पेन तो नहीं मिल रहा था, लेकिन अब कुछ ओल्ड स्टॉक्स थे जो फिर से अवेलेबल किया गया है। और पेन देखने में कुछ इस तरीके की है, बहुत ही क्लासिकल लुक्स, देखिए देखने में काफ़ी बढ़िया है। इधर में होल दिया गया है, और इस साइड से आप इसको घुमा के आप इसको पिस्टन को आप काम करवा सकते हैं। ये शायद हाँ घुमा के खोलना है। तो ये है बिना का निब, देखिए ये निब भी गोल्डन निब है, काफ़ी सुंदर। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये मीडियम निब है, ये देखिए मीडियम निब, इसमें बिना एनग्रेव किया हुआ है। और कुछ देखने में इस तरीके की है, जहाँ पर आपको एक विंडो भी मिलता है, आप इंक लेवल को देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं पेन, हालांकि पेन मैंने नया खरीदा है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे स्क्रैचेस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये ओल्ड स्टॉक का है, तो काफ़ी सारे स्क्रैचेस आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इसको आपको ऐसे घुमाना है, आप देखिएगा जो विंडो है वहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए कुछ निकल के नीचे की ओर आ रहा है, जो हवा को बाहर की ओर धकेलता है। और फिर जब हम इसको उल्टा घुमाएंगे तो ये धीरे से इनको अंदर में खींच लेता है। तो ग्रिप सेक्शन की बात करें तो एकदम आइडियल जो है, एकदम आइडियल है ग्रिप सेक्शन, बहुत ही बढ़िया है। जो थ्रेड्स जो दिया गया है वो बिल्कुल ऐसी जगह में आते हैं कि ये एंटी स्लिपरी काम करता है, एक एंटी स्लिपरी ग्रिप का काम करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है पकड़ने में। और अगर लुक्स की बात करें तो लुक्स भी काफ़ी मज़ेदार है, मज़ेदार है। हालांकि ये पेन जब पॉपुलर था तब शायद मैं प्लस 4 या 5 में था, और आज मुझे ये इसकी एक सैंपल मुझे भी मिल गया है लिखने के लिए। तो चलिए कुछ लिख के देखते हैं कि अगर आप इस पेन को ख़रीदते हैं 300 रुपीज़ के आसपास में आपको मिल जाएगा विथ शिपिंग, तो आप कितने भाग्यशाली रहेंगे इस विंटेज पेन को लेके। तो इसको देखने के लिए मैंने कृष्णा इंक्स की मून व्यू जो इंक है वो ले लेता हूँ, थोड़ा सा ड्रिप कर लेंगे, और ड्रिप करने के बाद हम देखेंगे कि ये लिखता कैसा है। इस पेन को मैंने एक बल्क परचेस किया था, इसके साथ और भी कुछ बिना और वी साइन के कुछ पेन्स मैंने लिए थे एक साथ में, काफ़ी दिन हो गए हैं बनाने का सोच रहा था वीडियोस, लेकिन ये पेंडिंग में पड़ रहा था। तो चलिए मैंने थोड़ा सा ड्रिप कर लिया है, और अब देखते हैं। ये जो पेपर है ये नॉर्मल पेपर है, तो चलिए इसमें देखते हैं कैसा लिखता है। काफ़ी सॉफ्ट है,
नॉर्मल पेपर में भी अच्छा ही लिख रहा है, बहुत ही अच्छा लिख रहा है, बहुत ही काफ़ी पुराना स्टॉक का चीज़ है, लेकिन जो निब है वो जैसे ग्लाइड कर रहा था पेपर में। तो 300 रुपीज़ में अगर आप इस पेन को परचेस करते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया परचेस होगा, बहुत ही बढ़िया परचेस होगा अगर आप 300 रुपीज़ में इस पेन को परचेस करते हैं। हालांकि इस तरीके की काफ़ी सारे पेन आपको आज के डेट में मिल जाएंगे, काफ़ी सारे पेन मिल जाएंगे बिल्कुल इसी पिस्टन जो फिलिंग सिस्टम है उसी में आपको काफ़ी सारे पेन मिल जाएंगे, लेकिन विंटेज पेन आपको नहीं मिलेगा जो कि करीबन 20 ईयर्स पुराना है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट इसमें नहीं लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये लेना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ जो नंबर है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि इसमें जो नंबर्स को नोट कर लीजिए, थोड़ा सा पॉज करके नोट कर लीजिए, ये जो नंबर है या फिर जो ईमेल एड्रेस दिया गया है वहाँ पर आप बात करके आप इस पेन को ला सकते हैं। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगा, ये जो कवर दिया गया है इसमें मैंने देखा है दो पेन तो आराम से इसमें आ जाते हैं, तो बाहर में अगर का कुछ कैरी करना है कुछ आपको, तो दो पेन आप आराम से इसमें कंफर्टेबली कैरी कर सकते हैं। और एक बात, ये अगर लॉक होता है तो खोलने के लिए इसको जस्ट प्रेस करना पड़ता है, प्रेस करने से आसानी से ये खुल जाता है। तो मैं खुश हूँ इस परचेज से, अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगर और कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं हूँ इसका आंसर देने के लिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।